नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह उक्ति भारतीय जनमानस में अनेक वर्षों से सुनी जा रही है और इसको ही यदि दूसरे स्वरूप में हम कहें तो कहा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी प्रकार की उक्ति का एक भाव और पहला सुख निरोगी काया के माध्यम से भी हम लोग सुनते आए हैं। कुल मिलाकर बात का भाव यह है कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, किस प्रकार से उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो, इन्हीं सारे विषयों को लेकर केंद्र की सरकार ने एक अभिनव योजना आयुष्मान भारत के नाम से प्रारंभ की है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भारत के लोगों के स्वास्थ्य के सुरक्षा की चिंता की गई है और इसी योजना तथा इससे जुड़े हुए सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर गिरधर गोपाल जी गोयल। डॉक्टर गिरधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गिरधर गोपाल जी सवाई मानसिंह अस्पताल में उप अधीक्षक हैं तथा ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ सर्जन हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। साथ में दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर वैद्य कमलेश जी शर्मा। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कमलेश जी स्वस्थ व्रत तथा योगा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में तथा प्रोफेसर हैं। हम दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जिस प्रकार का विषय है आयुष्मान भारत योजना और काफी समय से केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है और ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये सारी योजना लाई गई है, जबकि ये कहा जा रहा है कि देश की आबादी की लगभग 63% लोग आज देश में किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा के कवर में नहीं आ रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की सुरक्षा की योजना नहीं बनी हुई थी और उसके कारण लगभग 5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी, बड़े बड़े महंगे इलाज होते थे और आराम से जिन लोगों का जीवन चल रहा था वो भी, उनका परिवार भी, उनका जीवन भी एक प्रकार से आर्थिक रूप से संकट में आ जाता था। उस दौर में केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। आपके माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे कि वास्तव में ये योजना है क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम जन को व्यापक एवं आवश्यकता आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो पिछड़े गरीब ग्रामीण और जो शहरों में रह रहे हैं लोग बाग, उनको उनके अफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जी। इस योजना की शुरुआत के लिए जो हमारा 2011 की जो जनगणना है उसमें 10.74 करोड़ परिवारों को चयनित किया गया और इन परिवारों के लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है जी। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो पात्र लोग हैं, जिनके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड बने हुए हैं, वो भी इस योजना के पात्र हैं जी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इन परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी कैशलेस और पेपरलेस व्यवस्था से उपलब्ध कराना है। यह भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी किसी भी सरकारी स्तर पर वित्त पोषित योजना है जी। जो कि भारतवर्ष में अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई है जी। तो कह सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवार और यदि संख्या के हिसाब से बात करें तो लगभग 50 करोड़ की आबादी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है और इसका लाभ जनता को ठीक प्रकार से मिले, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इस बात के लिए लगभग 16,000 से अधिक अस्पतालों को इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। कमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि आखिर आज़ादी के लगभग 7 दशक बीते और उसके बाद में यदि सरकार को ये आवश्यकता महसूस होती है कि देश की आबादी को स्वस्थ रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए एक विशिष्ट योजना आनी चाहिए, क्या इसके प्रकार, इसके पीछे किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही होगी? निश्चित ही विवेकानंद जी, जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आयुष्मान भारत क्या है जी, तो इसकी पृष्ठभूमि में भी हमको जाना चाहिए। वर्तमान सरकार या इससे पहले जो सरकार रही है तुरंत पहले, उन्होंने इस विषय का गंभीर मंथन किया जी। और ये सरकार जिस प्रेरणा से चल रही है, हम सबको ध्यान भी है कि इस शताब्दी के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री और एक चिंतक हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति का विचार करने के लिए ये व्यवस्था दी और एक जो विचार दिया उन्होंने एकात्म मानव दर्शन जी। उसी के तहत हम ये कह सकते हैं कि अब
केवल रोटी कपड़ा और मकान, आदमी की यही केवल जरूरत नहीं रह गई है, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान ये भी उस व्यक्ति को चाहिए। जब इस प्रेरणा से कोई शासन सरकार व्यक्ति काम करते हैं तो उनको इन सब विषयों पर करना विचार करना ही होता है। एक लोक कल्याणकारी शासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो जन वर्ग है, जो जनता है, उसके शिक्षा स्वास्थ्य की भी वो व्यवस्था करे। और इसलिए यद्यपि शिक्षा राज्यों की सूचियों का विषय होने के उपरांत भी केंद्रीय शासन की जिम्मेदारी बनती है कि वर्षों से जो वंचित रहे हैं, और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 11वीं जनगणना में जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के नतीजे सामने आए उनको आधार बनाकर जो संख्या सामने आती है वो ऐसे लगभग 50 करोड़ लोगों की जनसंख्या है जो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा से वंचित है। वो तो उन लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, और ये केवल उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, वो केवल उस परिवार के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उस व्यक्ति का परिवार का जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कुल मिलाकर अंततः सारे देश पर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो इन सब बातों का विचार करके इस पृष्ठभूमि में इस एक मूल दर्शन को ध्यान में रखते हुए ये एक योजना क्रियान्वित करने का विचार इस शासन ने किया है। तो कहा जा सकता है कि यदि आपको राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, आपको राष्ट्र को सशक्त बनाना है, तो इस राष्ट्र को स्वस्थ भी बनाना होगा। और राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा ली, वो अंत्योदय की बात करते थे। दीनदयाल जी कहते थे, जिस प्रकार से कमलेश जी ने भी कहा, कि सत्ता की और शासन की केवल उसका विचार रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान पर भी बात आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने दीनदयाल जी के विचार को आत्मसात करते हुए इस प्रकार की योजना बनाई। योजना तो बहुत अच्छी बनाई डॉक्टर साहब, लेकिन चर्चा आपसे यह भी करना चाहेंगे कि इस योजना में आखिर पात्र कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं ऐसे जिनको इस योजना का लाभ मिल सकता है, और साथ में उन लोगों को जानकारी किस प्रकार से होगी कि वो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं अथवा नहीं। इस योजना के पात्र के बारे में जैसे मैंने आपको बताया विवेकानंद जी, कि भारत की सामाजिक और आर्थिक जनगणना जो कि सन 2011 में हुई थी, उसमें चयनित लोग जैसे 10-10.5 करोड़ के करीब परिवार हैं, उनको इसमें चयनित किया गया है। और उन सभी परिवारों का जो पात्रता की जो वो देखना चाह रहे हैं उसके केंद्र सरकार ने कई तरह से उनको व्यवस्था दी है। एक टोल फ्री नंबर है 14555, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, 14555 पे आप कॉल करके इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक केंद्र सरकार द्वारा मोबाइल ऐप भी बनाया गया है और एक इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है ताकि आप अपनी पात्रता का पता लगा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा विवेकानंद जी, कि इसके दो पहलू हैं मुख्यतः, एक तो प्रशासनिक पहलू और एक चिकित्सालय का पहलू। प्रशासनिक पहलू में जैसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी तक की संरचना की गई है ताकि जो मरीज और मरीज का जो परिजन है उसको दूर कहीं नहीं जाना पड़े, उसके घर पे उसके जो भी नियर बाई एरिया है वहाँ पे उसको इसकी सुविधा मिल सके। तो इसके क्रियान्वयन पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उसके माध्यम से भी आप ये पता कर सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। और इसके अलावा भी सरकार ने चिकित्सालयों में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ जाने पर भी आपको इस बात की जानकारी हो जाती है कि आप इस योजना का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, उसके लिए भी तमाम तरह की व्यवस्थाएँ सरकार ने की हैं। कमलेश जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस ओर लेकर जाना चाहेंगे जिससे आपका सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विभागाध्यक्ष भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं। सामान्यतया जब हम बात करते हैं उपचार की तो लोग एलोपैथी की ओर देखते हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ देखते हैं, क्या आयुर्वेद विभाग को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है या क्या आगे कुछ योजना है इस प्रकार की? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये हमारे देश के 130 करोड़ से जो अधिक आबादी है उनमें से अधिकांश लोग अब भी अपने जो सनातन चले आए हुए जीवन के संस्कार हैं उनको जीते हैं। दुर्योग से कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि इस समय की भागम भागी में, आपाधापी में धीरे धीरे अगली पीढ़ी के लोग इससे अलग होते जा रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी एक ताकत है, एक बहुत बड़ा समृद्ध ज्ञान आयुर्वेद का है, आयुष का है, उसका उपयोग भी आयुष्मान भारत के माध्यम से होना चाहिए
ऐसा हमारे देश के नीति निर्माताओं को ध्यान में आया और उसी के तहत उन्होंने विचार किया कि ऐसे कौन कौन से घटक हो सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जिनको आयुष्मान भारत में आयुष के जिम्मे किया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, यद्यपि अभी वो क्रियान्विति के स्तर पर नहीं आया लेकिन योजना के स्तर पर अंतिम रूप उसको ले लिया जा चुका है और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको प्रारंभ कर भी दिया गया है। उसके अंतर्गत एक सामान्य व्यक्ति को कहां से किस किस स्तर पर आयुष के माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं मिल सके इनको चिन्हित कर लिया गया है और उनमें से सबसे पहले वो लेते हैं कि मातृ स्वास्थ्य को लेकर के कोई एक महिला विवाह के पश्चात और गर्भधारण से पहले वो किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे, पहला सेगमेंट। दूसरा आता फिर जब वह महिला गर्भवती होती है तो उसके गर्भकाल के दौरान पहले मास से लेकर के नवे मास तक डिलीवरी होने तक उस दौर में वह आयुष आयुर्वेद के माध्यम से किन किन खान पान को कैसे कैसे रहन सहन को और कौन कौन से योगाभ्यास के माध्यम से एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे, इसका विचार इस मातृ स्वास्थ्य के तहत किया गया है। उसके पश्चात जब डिलीवरी वाला विषय है चूंकि उसमें सर्जरी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है वह आधुनिक चिकित्सकों के जिम्मे किया गया, लेकिन प्रसव के उपरांत पारंपरिक तौर तरीकों के आधार पर भी प्रसूति की जो चर्या अपनी होती थी, सूतिका की जो चर्या होती थी, उनके लिए खान पान रहन सहन आचार विचार की जो बातें अपने आयुर्वेद ने बताई और परंपरा से जो चली आई थी उस पर खास ध्यान दिया गया कि पहले तुरंत प्रसव के तुरंत पश्चात क्या करना, 3 दिन तक उसको क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, 7 दिन तक उसकी चर्या कैसी रहे, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक उसको किस प्रकार की व्यवस्थाओं के अंतर्गत रखा जाए ताकि प्रसव के उपरांत वो फिर से रिहेबिलेट होकर के एक अपना सामान्य जीवन यापन कर सके। दूसरा सेगमेंट ये हुआ। इसके पश्चात जो नवजात शिशु है तो नवजात के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं, यह सब बातें भी हम उस आयुष्मान भारत के तहत बताने वाले हैं। तो आयुष्मान भारत योजना के साथ में आयुर्वेद का भी बहुत गहरा नाता होने वाला है, बहुत संबंध होने वाला है और स्वाभाविक भी है क्योंकि आयुर्वेद भारत की मूल चिकित्सा पद्धति है और इसका विकास भी सरकार अनेक माध्यमों से भी कर रही है और आयुष्मान भारत योजना में भी इसका पूरा पूरा योगदान रहने वाला है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब उस विषय पर लेकर जाएंगे जिस पर हम पहले चर्चा कर भी रहे थे कि वास्तव में बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ से अधिक लोग, कोई आसान काम नहीं है। इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार की चुनौतियां अस्पतालों के समक्ष आप देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो उपचार गली मोहल्ले में आस पड़ोस में भी हो जाते थे उनके लिए भी जब एकदम से मरीज बहुत बड़ी संख्या में अस्पतालों की ओर आने लगेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं? बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके केंद्र सरकार ने इसकी विस्तृत योजना तैयार की है। इसमें मुख्यतः 2 तरह के पहलू हैं। एक तो प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मतलब जैसे जहाँ पे छोटे गांव या शहर है वहाँ पे मरीज सबसे पहले जो किसी चिकित्सा केंद्र के पास जाता है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। और एक दूसरा है सेकेंडरी और टर्शरी, जैसे प्राथमिक स्तर पर उपचार उपलब्ध नहीं है तो वो सेकेंडरी और टर्शरी स्तर पर जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर इसके लिए करीब 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की गई है। ऐसा पहला सेंटर 14 अप्रैल 2018 को जंगला बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है इसकी शुरुआत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। इस वेलनेस सेंटर में एक व्यापक प्राथमिक उपचार, साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसी बीमारियों का उपचार, इनकी सारी मुफ्त दवा और जांच सुविधाएं, ये तो हो गया प्राथमिक स्तर पर, ताकि जो जना है उसको, जो मरीज है उसको दूर नहीं जाना पड़े, उसकी पहुंच में उसका उपचार मिल जाए। सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर पूरे भारत में सभी सरकारी चिकित्सालय एवं अधिकृत प्राइवेट चिकित्सकों को इसके लिए चिन्हित किया गया है ताकि एकदम सरकारी चिकित्सालयों पर लोड नहीं बढ़े और मरीज को एक क्वालिटी सर्विसेज जिसको अपन बोलते हैं वो प्राइवेट स्तर की, जैसे किसी मरीज की इच्छा है कि साहब मुझे एक 3 स्टार हॉस्पिटल में मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, तो इसकी एक अपनी सरकार ने परिकल्पना की है और ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें एक तो ये नेशनल पोर्टेबिलिटी है इस योजना में, जैसे सपोज करो आज मैं राजस्थान में रहता हूँ और मैं तमिलनाडु में शिफ्ट हो जाता हूँ तो मुझे
तमिलनाडु में इस योजना के सारे लाभ मुझे मिलेंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो इस योजना की खास बात है, अगर आज जैसी योजना चालू हुई है, मुझे 10 साल से कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी इस योजना में कवर होती है। सपोज करिए किसी को कैंसर है 10 साल पुराना, आज के जमाने में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में उसका इंश्योरेंस कराएं तो वो लोग इसका इंश्योरेंस नहीं करेंगे क्योंकि उसको पुरानी बीमारी थी। इस योजना का जो मुख्य एक आकर्षण वो ये है कि मरीज को कितनी भी साल पुरानी हो वो इसमें इसमें आता है जी, इसके लाभान्वितों में आता है। तो चूंकि सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ मिले, इसलिए इस योजना को बहुत सरल बनाया गया है और प्राइवेट सेक्टर की जो अनेक कंपनियां हैं जो इस प्रकार के मेडिकल इंश्योरेंस का काम करती हैं, उनमें तमाम तरह की पाबंदियां होती हैं। उन पाबंदियों को दरकिनार करते हुए भी केंद्र सरकार ने ये विचार किया है कि राष्ट्र का व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए और उसको बहुत अधिक प्रक्रियाओं में नहीं उलझना पड़े, इस बात का भी विचार किया गया है। जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, देश में 1.5 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर खोले जाने की बात भी इस चर्चा के दौरान आई। कमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस रूप में कि चूंकि ये सरकार एक योजना लेकर आई है, लक्ष्य बहुत अच्छा है, उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से बात करते हैं कि हमारे यहाँ जिस प्रकार का संघीय ढांचा है, केंद्र की सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकारें अपना काम करती हैं, और उन सरकारों में यदि समन्वय ठीक प्रकार से नहीं होता है तो योजनाएं क्रियान्वित होने में भी बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि केंद्र सरकार ने ये योजना बनाई है और राज्य सरकारों का भी इसमें योगदान रहने वाला है, तो बहुत सारे राज्यों में अभी योजना लागू नहीं हो पाई है। क्या सोचते हैं केंद्र सरकार के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं कि वैचारिक मत भिन्नताओं से दूर जाकर इस राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधाएं मिले, उसके लिए क्या कुछ और किया जाना आवश्यक है? ये ठीक बात है, आपने एकदम व्यावहारिक और एक जमीनी सच्चाई को लिए हुए एक प्रश्न रखा है ये जी। देखिए, सरकार किसी भी विचार वाली रही हो, लेकिन एक अंतिम विचार सबका है कि उसका उद्देश्य लोक कल्याण करना होना चाहिए। वो एक एक वैचारिक धरातल चाहे किसी का कैसा भी हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस राज्य में रहने वाले जनता की खुशहाली के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, जो भी को उपक्रम योजना प्रयास होने चाहिए उनमें समन्वय की तो आवश्यकता रहती है। हाँ, कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती है, जैसे हम राजस्थान का ही उदाहरण यदि लेते हैं तो राज्य सरकार के ओर से एक भामाशाह योजना प्रारंभ हुई, तो ये सुविधा किसी दूसरे रूप में यहाँ के निवासियों को मिल रही है। अब चूंकि केंद्र ने एक नई योजना जब शुरू की तो उसके साथ कैसे समन्वय हो, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो शासन है, वह इस बार पर जरूर विचार करेगा कि भामाशाह योजना से कुछ अधिक जो बातें आयुष्मान भारत के माध्यम से यहाँ की जनता को मिल सकती है, उनका विचार करते हुए उसको लागू करना चाहिए, और वो निश्चित रूप से इस विषय में जरूर सोच रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसको बहुत विचार करके, ऐसा कोई आनंद फानन में नहीं कहा कि ये योजना लागू की गई है, इसकी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट, छोटी छोटी बातों का विचार करके, और ग्रामीण और शहरी और उन अशिक्षित अर्धशिक्षित कम पढ़े लिखे मजदूर लोगों की, उनकी जो स्थिति है उसका विचार करते हुए भी इसकी प्लानिंग की गई है। जैसा इन्होंने भी क्रियान्विति के संदर्भ में बताया भी कि अगर तो कोई व्यक्ति जो कि आज बहुत आम हो गया है, एक मोबाइल का उपयोग भी करता है, उसके माध्यम से वह अपनी स्थिति को, अपनी पात्रता को, अपने मिलने वाले लाभों की जानकारी ले सकता है। किसी स्थिति में यदि वो ऐसा नहीं भी रखता है तो भी जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उसके माध्यम से इन सुविधाओं को वो ले सकता है। तो जो मूल प्रश्न था कि संघीय ढांचे में भले भले राज्यों के कुछ अधिकार भिन्न हो, केंद्र सरकार के अधिकार कुछ भिन्न हो, लेकिन लक्ष्य दोनों सरकारों का एक ही है कि उनका जो जन है उस जन को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, और जैसा मैंने कहा कि इस योजना का दूरगामी परिणाम इसका होगा और बहुआयामी परिणाम इसका आने वाला है। ये केवल स्वास्थ्य तक सीमित न रहने वाला है, इसका प्रभाव समाजशास्त्र पर, अर्थशास्त्र पर भी आने वाला है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि सरकारी सेटअप के अलावा जो निजी क्षेत्र के जितने चिकित्सालय चल रहे हैं वहां जब मरीजों का फ्लो बढ़ रहा है, उनको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, वहां रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, नई नई सुविधाएं वहां जुटाई जा रही हैं, तो एक तरह से जो बेरोजगारी की समस्या थी परोक्ष रूप से उसका भी निराकरण साथ में हो रहा है। और आम आदमी का जब स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, एक दिहाड़ी मजदूर करने वाला व्यक्ति 300-400 रुपए रोज जो कमाता है, वो भी अपने परिवार में किसी के अस्वस्थ होने पर, जहाँ 100 रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं होता था, उसको लाखों रुपए तक की जब सुविधा मिलती है, तो उस व्यक्ति का जो परिवार का आर्थिक ढांचा है
वह सुधरेगा तो कुल मिलाकर अंततः जो देश की आर्थिक विकास वृद्धि दर है उस पर भी उसका पार्श्वगामी प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस तरह से बहुआयामी परिणाम देने वाली यह योजना है। तो यह योजना बहुआयामी परिणाम देने वाली है और कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्र के कल्याण की बात है, इस देश के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात है, इसलिए तमाम वैचारिक मतभिन्नताएं चाहे रही होंगी उन्हें दरकिनार करके उन्हें एक तरफ रख के सभी सरकारें इस योजना में सकारात्मक रूप से पहल करेंगी, भाग लेंगी, ऐसा सोचना है हमारे जो इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गोयल, आपसे चर्चा अब आगे बढ़ाते हुए इस तरफ लेकर जाना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति जो इस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनको इसका लाभ मिलना है, उनको ये तो पता लग जाता है कि ठीक है हमारे को इसमें लाभ मिल सकता है, वो बड़े चिकित्सालय में पहुंच जाते हैं। आप भी जयपुर के सबसे बड़े चिकित्सालय में उप अधीक्षक हैं, आपके सामने भी इस प्रकार की समस्याएं आती होंगी। व्यक्ति तो आ गया, उसे पता है योजना का लाभ भी मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से वो कहां किससे मिलेगा और जाके उसको कैशलेस जो है उसका इलाज इस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा विवेकानंद जी, इसके बारे में पल पल में उस मरीज को फॉलो अप की सुविधा दी गई है, उसको कहीं पे भी सरकार द्वारा अकेला नहीं छोड़ा गया जी। इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई मरीज है इस योजना का लाभार्थी है, बीमारी में किसी भी चिकित्सालय में जाता है, तो चिकित्सालय में जाते ही सबसे पहले वो अपना ई कार्ड या अपना ये नंबर बताता है कि साहब मैं इस योजना का लाभार्थी हूँ। उस योजना का लाभार्थी जैसे ही वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे बताता है तो उसको एक सिल्वर कार्ड जनरेट हो जाता है, जिसको कि ये वो बताता है, उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि भाई आप इस योजना के लाभार्थी हैं और आप अपना इलाज यहाँ पे इस चिकित्सालय में करा सकते हैं। फिर इसके बाद उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाती है, जैसे ही वो भर्ती के लिए जाता है तो उसका एक गोल्डन कार्ड जनरेट हो जाता है, उसको ये बताने के लिए कि आपका मरीज जो कि इस योजना का लाभार्थी है इस अस्पताल में आया है और ये भर्ती हो रहा है, ताकि इसका इस मैसेजिंग का ये फायदा है कि कोई भी गलत जना आके उस योजना का लाभ नहीं उठा सके। जैसे ही वो मरीज भर्ती होगा उसका एक जो पैकेज है, जैसे 1350 के करीब इसमें योजना में पैकेज बनाए गए हैं, सामान्य से सामान्य बीमारी से लेकर जो कि एक गंभीर तक बीमारी होती है, जैसे बाईपास जिसको अपन बोलते हैं, या कैंसर की बीमारी होती है, या हार्ट अटैक की बीमारी होती है, इन सारे के सारे पैकेज बनाए गए हैं। तो जैसे ही उसका अप्रूवल आता है तो उसके मोबाइल पे ये मैसेज आता है कि आप फला बीमारी के लिए भर्ती हुए थे और आपका इस अमाउंट का पैकेज ब्लॉक हुआ था। जैसे ही वो भर्ती होता है तो एक प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र नाम का एक इसमें कंसेप्ट है, जिसमें उस अस्पताल द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी हर पल पल पर मदद करता है, भर्ती से लेके उसका इलाज, इलाज में उसको आने वाली परेशानियों का निराकरण, और जब इलाज के बाद उसकी छुट्टी होती है वहां तक उसकी मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि मरीजों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी योजना बनाने के साथ में आपकी सुविधा के लिए आरोग्य मित्र भी बनाए हैं, और वो आरोग्य मित्र चिकित्सालयों में, अस्पतालों में आपकी सहायता करने के लिए हमेशा वहां तत्पर रहने वाले हैं। कार्यक्रम अंतिम चरण में है, कमलेश जी आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि इस योजना के क्रियान्वयन के बाद में आने वाले भारत की किस प्रकार की तस्वीर आप देखते हैं, किस प्रकार से रोजगार बढ़ेंगे, किस प्रकार से और क्या परिवर्तन होते हुए आपको दिखते हैं इस योजना के बाद। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने, जब हम एक नारा देते हैं ना कि स्वस्थ भारत, सशक्त भारत और समर्थ भारत, तो आप मानकर चलिए ये केवल नारा नहीं है और ये स्टेप्स हैं जिस कल्पना के साथ ये शासन काम कर रहा है, उसे लगता है कि आम आदमी की क्वालिटी लाइफ बढ़े और उस व्यक्ति की सारी संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग इस देश के निर्माण में, देश के विकास में हो, और एक सारे देश की जो संचित शक्ति है, स्वस्थ शक्ति है, इस सारे देश को सशक्त बनाने वाली होगी, और उसका परिणाम ये होगा कि जो हम कल्पना लेकर चलते हैं कि हमारा देश फिर से सर्वशक्तिशाली बने, हमारा देश सर्वशक्तिमान बने, जगत गुरु बने, या इस प्रकार की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की है सनातन संस्कृति में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तरह से ये योजना भी मील का पत्थर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सशक्त बनेगा, भारत समर्थ बनेगा, उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा महत्व है। और यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल को भी देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लागू किया, उसके कुछ समय पश्चात हम देखते हैं तो योग को विश्व स्तर पर एक प्रमुख स्थान दिलाया गया, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना जब लागू की गई उसके पहले स्वच्छ भारत
भारत अभियान और योग की परिकल्पना को बड़ा किया गया, जिसके माध्यम से स्पष्ट संकेत है कि आप अपने आसपास सफाई रखेंगे तो कीटाणु कम पनपेंगे, और आप योग करेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और उसके बाद आयुष्मान भारत योजना यदि लागू की जाती है तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से मरीजों की संख्या को पहले ही घटा दिया है, इस स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जो कुछ खर्चा होता था उसको भी काफी कम कर दिया गया है, और केवल योजना एकदम से लाई हुई हो ऐसा भी नहीं है, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी भी पूरी तैयारी इस सरकार ने की है। 1.5 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर इन्होंने खोले हैं पिछड़े क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या रहती थी, और केवल इतना ही नहीं, जब सरकार को पता था कि एकदम से अस्पतालों में भी मरीजों का बोझ बढ़ सकता है, एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, तो सरकार ने MBBS की भी 10,000 से अधिक सीटें बढ़ाई हैं। देश भर में 75,000 से अधिक चिकित्सक प्रतिवर्ष नए बन रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरा सोच विचार करके और हर स्तर पर ये विचार किया गया है कि योजना का क्रियान्वयन अच्छे से किस प्रकार से हो सकता है, और चूंकि मन में भावना केवल एक ही है कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सशक्त, राष्ट्र समर्थ, और राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो कुछ करना होगा वो सब करने के लिए ये सरकार भी कृत संकल्पित नजर आती है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर गिरधर जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कमलेश जी आप भी पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।